एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फाइनेंसी का क्वेश्चन नंबर 44। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 43 अच्छे से सॉल्व किया है ना, देन क्वेश्चन नंबर 44 भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 44 समझते हैं। देयर आर 25 ट्रीज एट द इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन ए लाइन विद ए वेल। द डिस्टेंस ऑफ द वेल फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर्स, ए गार्डनर वाटर्स ऑल द ट्रीज सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेल एंड ही रिटर्न्स टू द वेल आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री टू गेट वाटर फॉर द नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या गिवन है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में मे बी कि दिया हो और नहीं भी दिया हो, लेकिन आपको बनाना होगा। आपकी बुक में गिवन है, ठीक है, जरूरी नहीं आपके एग्जाम में गिवन हो, तो आप बना सकते हैं इस डायग्राम को। यहाँ पे क्या है, 25 ट्रीज गिवन है, ठीक है। तो हमने देखा 25 ट्रीज हम मान लेते हैं एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं ये ट्री है और सभी ट्री कितने कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, 5-5 मीटर के डिस्टेंस पे है आपस में एक दूसरे से, राइट। द डिस्टेंस ऑफ द वेल फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर, बट जो आपका नियरेस्ट ट्री है ना, उसकी इस वेल से अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। ये जो आपकी इस वेल से डिस्टेंस है ये कितनी है, 10 मीटर है, बट ये आपका फर्स्ट ट्री है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ट्री है, ये आपका सेकेंड ट्री है, सभी ट्री की आपस के में बीच में डिस्टेंस कितनी मीटर की है, 5 मीटर की आपको गिवन है, लेकिन जो फर्स्ट ट्री की वेल से डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 मीटर है। एक गार्डनर वाटर्स ऑल द ट्रीज सेपरेटली। एक गार्डनर क्या करता है, सभी ट्रीज को वाटर करता है, वाटर देता है सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेल। कहाँ से, जो वेल है, कुआ है, इससे पानी लेता है और सभी ट्रीज को जाके देके आता है, पहले देता है, एंड ही रिटर्न्स टू द वेल आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री टू गेट वाटर फॉर द नेक्स्ट। सो देखिए, ईच एंड एवरी ट्री को जैसे वो वाटर देता है, पहले वो वेल से पानी लिया, फिर एक ट्री के पास गया, उसको पानी दे दिया, फिर वो वापस गया, ठीक है, फिर से उसने पानी लिया, फिर वो सेकेंड ट्री के पास गया, उसको वाटर दिया, उसको उसकी वाटरिंग की, देन वो वापस वेल के पास गया, फिर उसने फिर से क्या किया, फिर से वाटर लिया, ठीक है। सो अगर आपका ये फर्स्ट ट्री, ये थर्ड ट्री और ये अगर हम आपकी ये वेल मान लें यहाँ पे, सो देखिए कैसे है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। तो इस फर्स्ट ट्री की वेल से डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है, और इनकी आपस में कितने कितने मीटर के डिस्टेंस है, 5-5 मीटर की, राइट। तो सेकंड ट्री की कितनी डिस्टेंस हो गई आपकी, 15 हो गई। थर्ड ट्री की कितनी हो गई, 10+5+5, दैट मीन्स आपकी 20 हो गई। सेम ऐसे ही आपका फोर्थ ट्री एंड सेम समथिंग 25 ट्रीज हैं आपके, इनके बीच के डिस्टेंस भी 5 है, दैट मीन्स 10+5+5+5, तो फोर्थ ट्री की डिस्टेंस कितनी हो गई, 25 हो गई वेल से, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी जो डिस्टेंस है 25 ट्रीज की वो चलती जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई वेल से डिस्टेंस, बट हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, गार्डनर की, कि गार्डनर ने कितनी डिस्टेंस कवर की। सो गार्डनर ने जब वाटरिंग की है फर्स्ट ट्री को, जब उसने फर्स्ट ट्री को वाटरिंग की है, तो पहले तो वो आपका 10 मीटर आया, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, पहले वो 10 मीटर आया वाटरिंग की, देन वो वापस 10 मीटर चला गया। तो उसने, गार्डनर ने कितनी डिस्टेंस कवर की फर्स्ट ट्री को वाटर देने के लिए, 20 मीटर, ठीक है। चलिए ये समझ आ गया। नाउ अब वो सेकेंड ट्री के पास आया, तो कितने डिस्टेंस है सेकेंड ट्री तक की, 15 है। तो फर्स्टली वो 15 मीटर आया, वाटर दिया, देन वो वापस चला गया 15 मीटर। तो गार्डनर ने सेकेंड ट्री को वाटरिंग करने में कितने डिस्टेंस कवर की, दैट इज 30, 15+15, 30, ठीक है। नाउ थर्ड ट्री के लिए वो आया, थर्ड ट्री के लिए वेल से डिस्टेंस कितनी है, 20 है। तो वो 20 मीटर आया एंड देन वो 20 मीटर वापस गया, तो 20+20, दैट मीन्स उसने 40 मीटर की डिस्टेंस कवर की उसको वाटरिंग करने में, ठीक है। अब वो फोर्थ के पास आया, तो यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से अगर हम देखते हैं 10 एंड 20 एंड 25, दैट मीन्स वो 25 मीटर आया एंड वापस गया 25 मीटर, इट मीन्स 25+25, उसने 50 मीटर की डिस्टेंस कवर की, एंड ऐसे ही सेम उसने आगे 25 की डिस्टेंस कवर की होगी। कंसेप्ट क्लियर है ना इतना? तो हमारे पास सीक्वेंस आ गया गार्डनर की, डिस्टेंस जो उसने कवर की, ठीक है। ये तो वेल से डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम वेल, ठीक है। मैं आपको विद स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, ये डिस्टेंस फ्रॉम वेल है ऑफ ट्रीज की, बट ये है डिस्टेंस
कवर्ड बाय गार्डनर, ठीक है, गार्डनर की डिस्टेंस है जो कि उसने ट्रीज को वाटरिंग के टाइम पे कवर की है, राइट। सो ये आपकी एक एपी आ गई। यहाँ से आपको मालूम हो गया A1 की डिस्टेंस फर्स्ट टर्म कितनी है, 20 है। डी की डिस्टेंस कितनी है, डी कॉमन डिफरेंस कितना है, 30 30 माइनस 20, दैट मीन्स 10 हो गया आपका। एन कितना है, नंबर ऑफ ट्रीज आपके 25 है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, S25, दैट मीन्स जो आपके 25 ट्रीज हैं उनको वाटरिंग करने में गार्डनर ने कितने डिस्टेंस कवर की है। दैट मीन्स जैसे फर्स्ट ट्री को गार्डनिंग करने में उसने, वाटरिंग करने में 20 डिस्टेंस कवर की, देन 30, देन 40, देन 50, तो इन सबका सम चाहिए उसको, ठीक है। ऐसे ही 25 ट्रीज का तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा। सो इसको शॉर्ट ट्रिक मैथड से करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2a+n-1 × d, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, S25 = 25/2, ठीक है। ये A1 होता है फर्स्ट टर्म, एक को बोलते हैं 2 × 20 + n की वैल्यू कितनी है आपकी, 25 है, 25 - 1, d की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 है, ठीक है। तो 25/2, सो 40 + 24 × 10 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। नाउ 25/2, दैट मीन्स इनको ऐड कीजिए तो 280 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 4 8 एंड 0। नाउ 25 की 140 में मल्टीप्लाई कीजिए, 25 0 25 0, 25 4 कितना हो जाएगा आपका, 100 0 कैरी 10, 25 1 25 + 10 कितना हो जाएगा, 35। यानी कि आपके जो 25 ट्रीज को वाटरिंग करने में टोटल डिस्टेंस जो गार्डनर को लगी है ना, वो कितनी है आपकी, 3500 मीटर, बिकॉज मीटर में डिस्टेंस है, ठीक है। सो गार्डनर को कितनी डिस्टेंस कवर करने में, कितनी डिस्टेंस कवर की गार्डनर ने, 3500 डिस्टेंस कवर की है, राइट। कंसेप्ट क्लियर आ गया, समझ आ गया ना आपको, पूरा कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अपना स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स समझ आया ना, एंड वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस इजीली मिल सकें। तो ये है आपका स्टेटमेंट कि कैसे आप लिखेंगे। सो देख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्डनर टू वाटर द फर्स्ट ट्री एंड रिटर्न टू द वाटर टैंक, या वाटर वेल, ठीक है। तो 10 + 10, दैट मीन्स 20। डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्डनर टू वाटर द सेकेंड ट्री एंड रिटर्न टू द वाटर वेल, दैट इज 30। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, आपने सी कैलकुलेट कर दिए ना, इस तरीके से उसने 25 टर्म्स तक की डिस्टेंस कवर की। सो हमारा एक सीरीज आ गया, 20 30 40, ठीक है। इस तरीके से एक सीरीज आ गया जिससे हमें ए सीक्वेंस मिल गया, A1, डी मिल गया, एंड एन की वैल्यू आपको मालूम थी। फॉर्मूला वैल्यू पुट की आपकी वैल्यू आ जाती है 3500, लास्ट में लिख देंगे, हैंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्डनर टू वाटर ऑल द ट्रीज इज 3500। सो इस तरीके से ही स्टेटमेंट को के साथ एग्जाम में आप लिख के आएंगे, देन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपको स्टेटमेंट लिखना है क्या गिवन है क्वेश्चन में, राइट। एंड आपसे फॉर्मूला भी आपको लिखना जरूरी है, विदाउट फॉर्मूला आपका मार्क्स कट जाता है 1 मार्क्स। एंड देन आपका रिजल्ट क्या आया वो भी आप जरूर लिखेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स जितने भी होते हैं वो सब मिल पाते हैं। सो आई होप ये सब समझ आ गया होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए कि समझ आ रहा है, एंड फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।